फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका सैफी के लास्ट ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज है मेरा सैफी में लास्ट डे और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं हॉस्पिटल में। सो गाइस, मैं वेट कर रही हूँ यहाँ साईं मंदिर में, जो कि हॉस्पिटल का सबसे बेस्ट पार्ट है। आप कभी भी यहाँ आते हैं घूमने के लिए तो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन दिस हॉस्पिटल। आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं और आपको इस मंदिर का व्यू मैं दिखाती हूँ एक बार। आ रही हूँ, आ रही हूँ, मम्मा आ रही है। फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ, अपनी गाड़ी में बैठ गई हूँ और सैफी से निकलने से पहले मेरा मन हुआ एक राउंड पूरा सैफी का लगाने का। तो फ्रेंड्स, ये वो मार्केट है जिसमें मैं अक्सर गोलगप्पे खाने आती थी और अमरजीत के गोलगप्पे यहाँ पे बहुत ही टेस्टी लगते हैं और मैं अक्सर सब्जियाँ भी इसी मार्केट से ख़रीदती थी। फ्रेंड्स, इस रोड से सीधे जाने से जो मैंने आपको बजरंगबली का मंदिर अपने शॉर्ट वीडियो में दिखाया था, वो मंदिर सीधे सामने आ जाता है और आपको यहाँ पे बजरंगबली की मूर्ति दूर से ही दिख जाएगी। यहाँ पे पेड़ है इसलिए दिख नहीं पा रही है। ये देखिए, सामने बजरंगबली की मूर्ति दिख भी गई। ये मंदिर सामने ही रोड पर ही उसका गेट था। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सामने क्लॉक टावर, और ये क्लॉक टावर है यहाँ से सीधे जाके किसान बाज़ार में। किसान बाज़ार है टोटली राउंड शेप में और इसको बोलते हैं कि एक कनॉट प्लेस जैसा ही बना हुआ है। और कनॉट प्लेस मैंने देखा नहीं है, सो मैं बता तो नहीं सकती कि एग्जैक्टली वैसा है कि नहीं है, बस यहाँ पे मैंने लोगों के मुँह से सुना हुआ है। किसान बाज़ार में फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिर्फ खाने पीने वाले जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, वेज नॉन वेज जो भी हैं, सब हैं यहाँ पर। बट मैं यहाँ पे ज़्यादातर जाती थी कैफ़े सैफई में, जो कि है सैफई का सबसे फेमस रेस्टोरेंट। और यहाँ पे जो मेरी फेवरेट प्लेस थी वो थी बर्ग स्टेशन। और इसी मार्केट में है साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, जिसके सामने वो लोग लगाते हैं गोलगप्पे और टिक्की चाट मोमोज, इसका ठेला लगता है। तो वहाँ पर जो मेरी फेवरेट थी वो थी टिक्की चाट, उसको मैं बहुत खाती थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में शॉप्स हैं और ऊपर भी यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं, वो ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस ने रेंट पे ले रखा है। ऊपर में आपको ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस मिलेंगे और नीचे पूरे रेस्टोरेंट्स हैं। फ्रेंड्स, इस मार्केट में मोस्टली मेडिकल स्टोर्स हैं और मेडिकल स्टोर्स ये आप देख रहे होंगे ग्राउंड फ्लोर पे। ऊपर में आपको कुछ रूम टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, यही रूम्स अक्सर लोग रेंट पे लेते हैं जिनको अंदर क्वार्टर नहीं मिल पाता है स्टार्टिंग में या हॉस्टल नहीं अलॉट हो पाते हैं। तो आई थिंक शायद ये 1 BHK या सिंगल रूम्स होंगे, मैं कभी अंदर से नहीं देखी हूँ, बस मुझे पता है कि ये रूम्स अवेलेबल रहते हैं जिसको रेंट पर लेना होता है। फ्रेंड्स, ये है बबलू टी स्टॉल।
सैफे की सबसे बेस्ट चाय यहाँ पे मिलती है, बट मैं चाय नहीं पीती हूँ और मैं यहाँ पे लस्सी पीने आती थी। इनकी लस्सी अमेजिंग, जिसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, बहुत ही टेस्टी होती थी। और फ्रेंड्स यहाँ से ये पूरा सैफे गोल गोल ही है, तो यहाँ पे आप इस रोड पे मैं दोबारा आ गई हूँ और यहाँ से सीधे एक साइड में है किसान बाज़ार और इस रोड के ठीक सामने थी संतोष मार्केट, जहाँ पर मैं अब नहीं गई। और अब हम सैफे की खट्टी मीठी यादों को बाय बाय बोल के अब निकल लिए हैं सैफे से। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे आज की वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव तो नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में मैं सैफे के ऊपर ही एक डिस्कशन वीडियो बनाऊंगी, जो कि मुझे लगा कि शायद मैं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको सैफे के बारे में बताना ज़रूरी था और मैं नहीं बता पाई हूँ। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।